बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। विपक्ष की तरफ से लग रहे आरोपों पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि सदन का संचालन संविधान के अनुरूप हुआ। विधानसभा की उत्पादकता 132% रही। सत्ता पक्ष, विपक्ष और आजाद विधायकों को बोलने का पूरा मौका मिला। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई और 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया। नेता प्रतिपक्ष पर भी कुलदीप पठानिया ने निशाना साधा। कुलदीप पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विधानसभा अध्यक्ष की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि सभी को पूरा मौका दिया गया, सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय विधायक सभी को पूरा मौका दिया गया। सदन का संचालन संविधान के अनुरूप हुआ है। विधानसभा की उत्पादकता 132% रही। ये तमाम बातें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा कुलदीप पठानिया ने और फिर ये तमाम बातें कही। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष पर भी कुलदीप पठानिया ने निशाना साधा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि सदन का संचालन संविधान के मुताबिक हुआ है। कि कोई भी संविधानिक अदालत स्पीकर के संवैधानिक अधिकारों के अंदर किसी भी प्रकार का दखल नहीं दे सकती। ये उनके विवेक के ऊपर है कि जो उनके अधिकार क्षेत्र में जो निर्णय होने हैं वो उनका ही उसमें विवेक का इस्तेमाल होगा, उसमें किसी प्रकार की समय अवधि भी निश्चित नहीं की जा सकती। और ये विशेष स्पष्ट हैं, दोनों राजनीतिक दलों के समक्ष हैं और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय श्री जयराम जी जो सदन के जो है प्रतिपक्ष के नेता भी हैं उनकी जानकारी में है। लेकिन अदालत के इन फैसलों के बावजूद और जो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में जो उन्होंने मेरे फैसले को चुनौती देकर जो राहत लेने का प्रयास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उनके साथ नहीं गई और आखिर में उनको वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट से वापस लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस्ड एज ए विड्रॉन उसका निर्णय दिया जिसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। यानी स्पीकर के जो अधिकार क्षेत्र है उसको दोनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी अपना जो है जो अपनी रूलिंग है फैसला है उसके माध्यम से ये तय कर दिया कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र के अंदर और जो निर्णय हमने लिए हैं उसमें किसी प्रकार के दखल की गुंजाइश नहीं है। फिर भी पब्लिक डोमेन में जाकर नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के कुछ मान्य सदस्य उन फैसलों को राजनीतिक लाभ लेने की चेष्टा से पब्लिक डोमेन में चुनाव में डिस्कशन में ला रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुरूप जो मुझे निर्णय करना था वो मैंने किया और प्रेस के माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था यद्यपि 10th शेड्यूल में कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड होने के बावजूद ये व्यवस्था उच्चतम न्यायालय ने निश्चित की कि इन फैसलों की जो स्पीकर के पास 3 तरह का अधिकार क्षेत्र है। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड मुसलसल बने हुए मेरे साथ, उनका रुख करेंगे एक बार फिर। प्रदीप, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पीकर कुलदीप पठानिया ने यह बताया कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई चली है। हालांकि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष पर निशाना भी साधा इस दौरान, लेकिन उन्होंने कहा कि सबको बराबर का मौका दिया गया। क्यों ये जरूरत पड़ी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें उनको बतानी पड़े? बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं कि अब स्पीकर और विपक्ष के बीच में ठन गई है और एक तरह से जो तकरार ये शुरू हुई है वो अब आगे काफी अलग रूप ले सकती है। हालांकि अगर सदन के बाहर की बात की जाए
तो विपक्ष लगातार स्पीकर पर एक आरोप लगा रहा है कि जो निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा है वो समय रहते स्वीकार किया जा सकता था। नेता प्रतिपक्ष सीधे तौर पर इसके लिए स्पीकर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हालांकि पूरे मामला जो सदन के भीतर हुआ है, जैसा हमने बजट सत्र के दौरान भी देखा, 6 कांग्रेस के बागी हुए, उनकी सदस्यता चली जाती है, तो इसमें तमाम चीजें यही रही कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से लगातार स्पीकर पर सीधे सीधे हमले किए जाते रहे। अब खुलकर स्पीकर जो है वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने एक तरह से नसीहत भी विपक्ष को दे डाली है, और खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष को नसीहत जो है उनकी तरफ से दी गई है कि मैंने जो फैसले दिए हैं वो एक जो ट्रिब्यूनल जज के तौर पर ये फैसले दिए हैं, और कोई भी फैसला जब दिया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट से हो या सुप्रीम कोर्ट से, उस फैसले को पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं किया जाता है, उसके गुण दोषों को डिस्कस नहीं किया जाता है। लेकिन विपक्ष के विधायक और नेता प्रतिपक्ष और बाकी भी कुछ सदस्य अभी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उसमें इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सदन की अवमानना है। और सख्त लहजा यहाँ पर यूज किया जो है, सख्त लहजा हमने देखा स्पीकर की तरफ से, और उन्होंने ये कहा कि जो शब्द जो विधानसभा अध्यक्ष के प्रति प्रयोग किए जा रहे हैं उन पर अगर रोक नहीं लगी तो मजबूरन मुझे अपने नियमों को एनफोर्स करने की जरूरत पड़ेगी। यानी जो पावर मेरे पास है एक स्पीकर के तौर पर, सदन की अवमानना का केस एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो भी चलाया जा सकता है। तो अब ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष स्पीकर के बीच में जो सीधी तकरार शुरू हुई है, इस पर अब देखना ये होगा कि जिस तरह से पहले नेता प्रतिपक्ष बोलते आए हैं, अब स्पीकर की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर ये बातें कही गई हैं, तो इस पर अब नेता प्रतिपक्ष आगे क्या कहना होगा और आगे इस पर क्या होता है, क्योंकि मानसून सत्र भी आने वाला है तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब गर्माता हुआ जरूर नजर आएगा। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यहाँ पर स्पीकर ने की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे 1.5 साल का काम जो है समय हुआ गया है काम करते हुए, और विधानसभा की जो प्रोडक्टिविटी है वो 132% रही है, आज तक का जो प्रोडक्टिविटी रही है उससे ज्यादा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो या निर्दलीय विधायक, उस वक्त से हमने बराबर बोलने का मौका यहाँ पर दिया है। लेकिन जो दो बड़ी घटनाएं इस दौरान हुई, 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होती है, 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर उनको स्वीकार किया जाता है, और उसमें हाईकोर्ट का भी फैसला स्पीकर के पक्ष में एक तरह से हम कहेंगे कि आता है कि हम स्पीकर को निर्देश नहीं दे सकते हैं कि आप निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करें या आपके लिए समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और इसमें जो अब राजनीति में हम देख रहे हैं हिमाचल में उपचुनाव में, ये आरोप बार बार स्पीकर पर जो लग रहे थे उस पर अपनी तरफ से सही कहा प्रदीप आपने, उन्होंने अपना पक्ष रखा इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अब देखते हैं आगे और किस तरह से बयानबाजी होगी।